हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टाइप टू, दैट इज यूनिटरी मेथड ऑफ टाइम एंड वर्क। बच्चों, टाइप वन में हम लोगों ने क्या देखा, जब भी आपको कहा जाता है ए ने कुछ काम कुछ दिन में किया, बी ने वही काम कुछ अलग दिन में किया, ऐसे पैटर्न जितने भी टाइप के क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं बाय एलसीएम मेथड। उसकी स्टेप्स क्या थी, सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम, वो होता था आपका टोटल वर्क, फिर निकालते थे वर्क पर डे, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फाइंड सॉल्यूशन। ये कुछ पैटर्न के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे। आई होप आपने उसमें दिए हुए लिंक में दिए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उसमें आप प्रॉपर हो चुके होंगे। अब हम लोग टाइप टू की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चों, अगर अभी ऐसा क्वेश्चन आया लाइक 14 men can complete half of work in 17 days working 9 hours per day, then how many men are required to complete a full work in 21 days working 6 hours per day? So, बच्चों, डेफिनेटली ये वाला क्वेश्चन आपका एलसीएम मेथड से सॉल्व नहीं होगा। आप इसको प्रॉपर देखें, ऑब्जर्व करें, इसमें जो लोग आए हुए ग्रुप में आए हुए लाइक 14 मेन। सो बच्चों, मेन आए हुए हैं ग्रुप में। सो बच्चों, जब ग्रुप में आया तो समझ जाना कि हम इसी यूनिट मेथड से सॉल्व करेंगे, और वो पैटर्न क्या है, लेट्स स्टार्ट दिस। क्लास देखो, आपके सामने अभी एक फॉर्मूला आया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, ये m1 t1 h1 upon w1 r1 is equals to m2 d2 h2 upon w2 r2। सो बच्चों, m कॉल्ड एज नंबर ऑफ पर्सन, d होता है नंबर ऑफ डेज, h नंबर ऑफ आवर्स, w नंबर ऑफ वर्क, r इज रेट इन रुपीस। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे सो पांचों पैरामीटर लिखने ही पड़ेंगे। कहने का मतलब, अगर कंपैरिजन में सिर्फ m और d है तो आपका फॉर्मूला बनेगा m1 d1 = m2 d2। अगर कंपैरिजन में वर्क भी आ रहा है तो w1 भी आएगा, बट पोजीशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, पोजीशन जहां है वही होगा। लाइक w1 डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे वहां पर मैंने जिक्र भी किया था कि ये क्वेश्चन ओरली हो सकते हैं, वो बारी आ चुकी है पढ़ने की, वो ओरली कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। If 7 women can complete a work in 4 days, then in how many days 2 women will complete the same work? बच्चों, सबसे पहले क्या बोला हुआ है, देखिए इसमें क्या बोला हुआ है, 7 women can do a work in 4 days, यानी 7 women मेरा क्या हो गया, number of person, और वो work कितने दिन में कर पा रहे हैं, बस 4 days में, मतलब D1 क्या हो गया, 4 days। पूछा क्या गया है मुझे, 2 women मतलब M2 given है, और पूछा है वो 2 women वही वर्क कितने दिन में करेंगे। मतलब इस क्वेश्चन में कंपैरिजन में क्या-क्या आता है, M और D। सो बच्चों, उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला क्या बनेगा, M1 D1 is equals to M2 D2। वैल्यूज पुट अप करेंगे, 7 women into 4 days is equals to 2 women into D2। देखिए बच्चों, W हो जाएगा कैंसिल, 2 से ये कट होता है, 2 2 सा 7 2 14, यानी मेरा आंसर आ गया 14 डेज। क्लियर हो, देखो ये कितना आसान हो गया। अगर आपको टाइप वन याद होगा तो ट्रेडिशनल मेथड बहुत लंबा था, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं, ट्रेडिशनल मेथड बहुत कम बार यूज होती है। आप इन सब पॉइंट्स को समझे, आप लोगों के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क के बहुत मुजमानी होंगे। ओके, चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, अगर इसी में हो गया डब्ल्यू बना गया दैट ही डिड हाफ वर्क, और W2 बोल सकता हूं मैं डबल वर्क। सो इस मोमेंट में फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, M1 T1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। W ये डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन और क्लियर करेगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 men can complete a work in 10 days, then how many extra men are required to complete a work in 8 days? मतलब हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। M1 क्या बोला बेटा, 16 men can do work in 10 days, मतलब D1 दिया था 10, बोला है how many extra men are required, मतलब M2 निकालना है to complete a work in 10 days, 8 days, तो D2 कितना आ गया, 8। ये कॉन्सेप्ट कितना प्यारा है, अगर आप ये सीख गए और अगर आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर को बताना है तो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। देखो, 16 में 10 दिन में काम कर रहे हैं, और अगर कॉन्ट्रैक्टर को वही काम 8 दिन में करना है तो आप उसे ये बता सकते हो कि कितने एक्स्ट्रा मेन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, फार्मूला बताओ क्या होगा, m1 d1 is equals to m2 d2। वैल्यूज पुट अप करेंगे, 16m into 10 days is equals to m2 into 8 days। देखिए d कैंसिल हो गया, 8 2 जा 16, आंसर हो गया 20 मेन, आपके ऑप्शन में भी दिख रहा है। ओके,
बट अगर क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये आपका आंसर नहीं है। बच्चों आप बोला था हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन आर रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा मेन मतलब 16 मेन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, 20 मेन की जरूरत है। मतलब बेटा एक्स्ट्रा मेन कितने हो जाएंगे, एक्स्ट्रा मेन निकलेंगे 20 - 16 मतलब हो जाएगा 4 एक्स्ट्रा मेन आर रिक्वायर्ड, मतलब आंसर इज 4। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 men can do a piece of work in 12 days, working 8 hours a day. How many men will do the same work in 8 days, working 10 hours a day? बड़ा ही मुश्किल क्वेश्चन है और बड़े आसान हो गए क्योंकि आपको भी वैल्यूज भी मिल रही है। आप बताते चले वैल्यूज कौन से कौन से गिवन है। M1 है बेटा 20 m, फिर गिवन है 12 days में कर रहा है मतलब B1 गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए पर डे अकॉर्डिंग मतलब H1 गिवन है 8 hours per day, फिर how many men are required यानी एम टू निकालना है, डी टू गिवन है आप लोगों को 8 डेज एंड आपका एक्स टू है 10 आवर्स पर डे। फॉर्मूला आपके पास है बच्चों, एम डी और एच की वैल्यू न्यूमरेटर में होती है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 d1 h1 इज इक्वल टू m2 d2 h2। आप अगर यूनिट वाइज लिखते हो तो बराबर वही यूनिट आएगा जो आपको निकालना है। देखो कैसे क्या क्या बेटा होता है, 20 m इंटू 12 डेज इंटू 8 इज इक्वल टू m2 इंटू 8 days into 10 hours per day। देखिए यहां से hours per day cancel हो गया, D cancel हो गया, बाकी solve करते हैं। देखो बेटा 10 2s फिर 8 cancel यानी m2 कितना आ जाएगा आपका 24 men, मतलब 24 men are required to complete a work in 8 days working 10 hours per day, है ना आसान। So, आपको क्या देखना है, सिर्फ वैल्यूज को और कौन से पैरामीटर की वैल्यूज गिवन है, है ना आसान। समझ आपको क्या देखना है, कौन से पैरामीटर्स गिवन है, सिंपल पुट एंड गेट आंसर। ओके बच्चा एक बात को नोटिस करिएगा, मेन दिया है मेन पूछा है, जेंडर चेंज नहीं है, ग्रुप चेंज नहीं है, मेन के बारे में दिया है मेन के बारे में पूछा है, तब हम टाइप को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में अलग अलग ग्रुप आते हैं लाइक 20 मेन कैन डू वर्क इन 12 डेज एंड 8 वुमेन के बारे में पूछा, मेन के बारे में दिया वुमेन के बारे में पूछा, सो वो हम लोग देखने वाले टाइप 3 में। ओके जब भी एक ही ग्रुप की बात चली सो याद रखना हम टाइप 2 में रहेंगे, इसी में कुछ एक एक्स्ट्रा टाइप भी पढ़ने वाले हम लोग, टाइप 2 का सब पार्ट भी पढ़ेंगे। ओके आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए 14 men can complete half work in 17 days working 9 hours per day. हम लेते चलेंगे given, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। M1 given है हमें 14 men, W1 बोला है half. अगर half को मैं 1/2 लिखता हूं तो फुल मेरा 1 होगा, अगर half को मैं 50 लिखता हूं तो फुल मुझे 100 पकड़ना पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यूज ले, सिर्फ रिलेशन मेंटेन रखें, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। सो W1 मैंने half ले लिया, 17 days D1 given है and H1 given है 9 hours per day, then 9 hours per day, then M2 क्या बोला है बच्चों, how many men, मतलब M2 निकालना है, बोला क्या है how many men are required to complete full work, मतलब W2 कितना है मेरा, full मतलब 1, 21 days, D2 given है 21, working 6 hours per day, H2 given है 6 hours per day। बच्चों वैल्यूज आपके पास है, आप वीडियो यहां पॉज करें, खुद वैल्यूज पुट अप करें, देखिए आंसर मैच होता है क्या। बच्चों देखो अभी वैल्यू पुट अप कर रहा हूं, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, बच्चों आपको पता होना चाहिए m1 d1 h1 और w1 क्या लिखेंगे, 14 * 17 * 9 / 1/2 equals to m2 * 2 21 * 21 * 6 / 1 सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो ये 7 3s 7 2s 3 3s then 3 2s 2 2 कैंसिल, ये 2 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब आंसर हो जाएगा 34 men। क्लियर, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन इतने जल्दी सॉल्व होगा। सो बच्चों अभी ऐसा कुछ पैटर्न दिखा तो बेझिझक इसमें घुसिए, बहुत जल्दी आंसर करोगे। ओके इसकी जितनी भी वैरायटीज होगी सारे में क्वेश्चंस में कवर कर रहा हूं,
एक्सरसाइज भी दी हुई है, आपको वो भी पूरी सॉल्व करनी है पूरी शिद्दत से ऑनेस्टी के साथ। तो आई होप आपको वो मैं हेल्प कर पाऊंगा टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से क्लियर करने के लिए। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 44 डेज। सर्टेन नंबर, कौन सा नंबर है पता नहीं। सो बच्चों M1 क्या पकड़ लेंगे, X सर्टेन नंबर ऑफ मेन इन 44 डेज, यानी D1 गिवन है 44 डेज। इफ देयर वर 6% मोर, मतलब अभी कितने पकड़े हमने X, अगर 6 ज्यादा है मतलब कितना हो जाएगा X+6। The work would be finished in 11 days less. मतलब days कितने लगेंगे? 11 दिन इसमें से कम कर देंगे, यानी 33 days में होगा। चलो मैं लिख देता हूं आप लोगों को। So क्या लिखना पड़ेगा? 44 minus 11 मतलब 33 days. M1 given है। क्या पूछ रहा है वो? How many person were originally there? मतलब वो x पूछ रहे हैं। So बच्चों value put up करेंगे। Formula M1 given is equals to M2 D2, x into 44 is equals to x+6 into 33. देखिए 11 3s are 11 4s are 4x equals to 3x+18. 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 4x माइनस 3x x equals to 18. आई होप आपको इधर आधा उधर जो करते हैं हम लोग वो आता होगा। बहुत से बच्चों को बोर भी होता होगा क्या सब इतना डिटेल में जा रहे हो, पर बहुत से बच्चों को डाउट्स होते हैं। अगर डाउट है तो प्लीज सिंप्लीफिकेशन क्लासेस को अच्छे से देखिए, यहां आप नहीं अटको। क्लियर, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा 75 मेन आर एम्प्लॉयड टू ले डाउन अ रेलवे लाइन इन 3 मंथ्स। ड्यू टू अ सर्टेन इमरजेंसी कंडीशन द वर्क वाज टू बी फिनिश्ड इन 18 डेज। हाउ मेनी मोर मेन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ वर्क इन अ डिजायर्ड टाइम। बच्चों यहां आप देखिए 3 मंथ्स में टाइम दिया है, 18 दिन दिया है। सो ऐसे वर्क आप एवरेज पकड़े, क्योंकि यहां स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सा मंथ है। अगर मंथ स्पेसिफाई किया गया सो आप लोग 31 या 30 कंसीडर करेंगे। यहां मंथ स्पेसिफाई नहीं है सो आप 30 दिनों का एवरेज मंथ पकड़ेंगे। सो बच्चों देखो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। 75 में यानी M1 गिवन है 75, कितना दिन लेते हैं 3 मंथ्स। So, बच्चों D1 कितना हो जाएगा 30 × 3 यानी 90 डेज। ओके और बोला है कितने एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। वैल्यूज पुट अप करेंगे M1 D1 यानी 75 × 90 इज इक्वल्स टू M2 × 18 18 5s। ओके सो बच्चों M2 कितना आ जाएगा, देखो 5s है, मैं आसान तरीका बता दूं। 75 × 150 तो 4s are 300 और ये और एक 75 लगेगा मतलब 375। बच्चों एक्स्ट्रा मैन बोला है, मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था एक्स्ट्रा मैन, मेरे पास कितने मैन ऑलरेडी मौजूद है 75। सो 375 माइनस 75 सो बच्चों कितने एक्स्ट्रा मैन लगेंगे 300 एक्स्ट्रा मैन होते ही। क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 मैन टेक 20 डेज टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 आवर्स अ डे। बच्चों M1 गिवन है 15 डेज, D1 20, H1 8 आवर्स अ डे। द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 मेन टेक टू कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज, यानी M2 गिवन है 20, D2 निकाल लिख देंगे यहां पे, D2 है 12 और H2 निकालना है। आपके पास फॉर्मूला है 15 × 20 × 8 = 20 × 12 × H2, क्योंकि M1 D1 H1 न्यूमरेटर में होते हैं। अब कट करते हैं बच्चों 20 कट हो गया, 4 × 2 = 4, 3 × 3 = 3, 5 × 5 = 10, यानी उन्हें 10 घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ेगा तब जाके ये काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर बच्चों अब इसमें लेवल 2 कैसा होता है, अब आपको M1 D1 H1 की इतनी वैल्यू इतनी आसानी से नहीं मिलती, आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, निकालना पड़ता है। अब वो क्वेश्चन कैसे है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ वर्क इन 29 डेज, ही एम्प्लॉयज 33 वर्कर्स ऑन दैट जॉब, बट आफ्टर 18 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली हाफ वर्क हैज बीन डन। हाउ मेनी मोर वर्कर्स शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। आपके अंदर एक्साइटमेंट आना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन हम इस टाइप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको हिंदी में समझाता हूं उन्होंने क्या बोला है।
एक कॉन्ट्रैक्टर को एक काम मिला जो 29 दिनों में कंप्लीट करना था, उसने अपने तजुर्बे से 33 वर्कर्स को लगा दिया वो काम करने के लिए। अब उन्होंने उसको वो काम करना था 29 दिनों में, अब वो 18 दिन के बाद जब वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि सिर्फ आधा काम कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब अगर उतनी स्पीड से काम चलते रहा तो 18 का डबल मतलब 36 दिनों में काम कंप्लीट होगा, बट उसे काम कंप्लीट करना था 29 दिनों में। तो अब आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी एक्स्ट्रा मेन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद इन टाइम, मतलब 29 दिनों में अगर काम कंप्लीट करना है तो कितने एक्स्ट्रा मेन लगेंगे। ओके, सो देखिए बच्चे इसको कैसे अटेंड करेंगे। सो बच्चों 29 डेज में हमें टास्क कंप्लीट करना है। अब उन्होंने सबसे पहले 33 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया था, 33 वर्कर्स ने 18 दिन में मतलब D1 18 दिन में कितना काम कंप्लीट किया था, हाफ में बोल सकता हूं ऐसा, 33 वर्कर्स ने 18 दिनों में आधा काम कंप्लीट किया। सो कितने एक्स्ट्रा मैन आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिमेनिंग वर्क, आधा ये है, आधा रिमेनिंग मतलब कितना होगा आधा, ये रिमेनिंग वर्क करेंगे विद इन टाइम। सो बच्चों D2 कितना हो जाएगा ये आपको समझना चाहिए। सो बच्चों विद इन टाइम मतलब 18 दिन गुजर चुके हैं, हमें कंप्लीट करना है 29 दिनों में, तो दिन कितने बचते हैं, 29 - 18 दैट इज 11 डेज, मतलब 11 दिनों में आधा काम कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट की जरूरत है। बच्चों आपके पास वैल्यूज है, वैल्यू पुट अप करना है, फॉर्मूला क्या होगा बेटा, M1D1 upon W1 = M2D2 upon W2। वैल्यू पुट अप करेंगे 33 × 18 upon half = X × 11 upon half। बच्चों हाफ तो कट हो गया, 11 3 जा, सो X कितना आ जाएगा, 54 वर्कर्स आर नीडेड। वापस देखो क्या बोला था, एक्स्ट्रा मेन आर रिक्वायर्ड। सो बच्चों मेरे पास ऑलरेडी में कितने थे, 33, सो 33 क्या कर देंगे इसमें से हम लोग माइनस, सो बच्चों कितना बचता है यहां पे, 21। सो एक्स्ट्रा मेन आर रिक्वायर्ड कितने, 21। क्लियर हो गया, इसमें अगर कुछ जानने वाली चीज है तो वो सिर्फ D2, 29 दिनों में काम कंप्लीट करना था, 18 दिन गुजर चुके, आधा काम किया है, बचा 11 दिन में आधा काम कंप्लीट करना है, तो कितने मिनट्स की जरूरत है। क्लियर, चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, फॉर्मूला बोल के दिखाइए क्या था, M1D1H1 upon W1 R1 = M2D2H2 upon W2 R2, सिर्फ वैल्यू पुट अप करना है, आंसर आ रहा है। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा है या फिर मुझे नहीं समझ में आया, मैं जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, आपको उसको क्लियर करके दूंगा। ओके, सो बच्चों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 men working 8 hours a day can do a piece of work in 15 days. Find the number of days in which second group of 60 men working 4 hours a day can do a twice the work. Assume that 3 men of first group do as much work in 2 hours as 4 men of second group do in 3 hours. दिमाग शांत रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 40 men M1 गिवन है, 40 men, D1 15 days, H1 8 hours, M2 60 men, D2 निकालना है, H2 4 hours a day। वर्क में बोला है देखो ट्वाइस ऑफ वर्क, मतलब अगर W1 यहां 1 है सो W2 होगा आपका ट्वाइस। ओके, अब इसमें एक फर्स्ट ग्रुप की बात है और ये सेकेंड की, इसमें रिलेशन दिया हुआ है लास्ट में, अज्यूम दैट 3 men ऑफ फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 आवर्स, मतलब प्लस 3 men ऑफ फर्स्ट ग्रुप जो 2 घंटे में काम करते हैं उतना ही काम 4 men सेकंड ग्रुप के 3 घंटे में करते हैं। देखो इसमें से क्या रिलेशन आ रहा है, आर आर कैंसिल हो गया आपका, अब देखिए 2 2 जा 3 3 कैंसिल, मतलब m1 इज इक्वल टू कितना गया बेटा, ट्वाइस ऑफ m2। ओके, अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास फॉर्मूला तो नहीं, इसमें पुट अप करेंगे M1 D1 H1 upon W1, सही है, वैल्यू बताइए क्या होगा बेटा, बताओ 40 M1 × 15 × 8 upon 1
इज इक्वल टू 60 N2 इंटू D2 इंटू 4/2। शुरू करते हैं बच्चों, देखो क्लास क्या होगा अभी, 2 2 जा 50 4 जा 4 2 जा 2 2 कैंसिल। अब बच्चों M1 और M2 है, ओके क्या बच रहा है देखो, 40 M1 इज इक्वल टू M2 सही इंटू D2। अब देखो M2 और M1 में क्या रिलेशन है, M1 इज इक्वल क्या होता है ट्वाइस ऑफ M2, तो मैं M1 की जगह क्या लिखूंगा 2 N2। सो क्या हो जाएगा ये 40 × 2 × M2 इज इक्वल टू N2 × D2, N2 कट, सो D2 आ गया मेरा कितना 80 डेज। क्लियर, इस बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक वापस सॉल्व करते हैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अ ग्रुप ऑफ 30 मेन वर्किंग 4 आवर्स अ डे कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच अनदर ग्रुप ऑफ 45 मेन वर्किंग 8 आवर्स अ डे कैन डू थ्राइस द वर्क। अज्यूम दैट 2 मेन ऑफ फर्स्ट ग्रुप डू एज मच वर्क इन 2 आवर्स एज 4 मेन ऑफ द सेकंड ग्रुप डू इन 1 आवर। चलो बच्चों अब आपको दिमाग में थोड़ा तो भी क्लियर होगा कैसे यूज करना है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। M1 फटाफट गिवन लिखने के पहले 30 M, D1 10, H1 4, M2 45 में D2 निकालना है, H2 है हमारा 8 आवर्स अ डे, W1 1 है, W2 थ्राइस है यानी 3 है। रिलेशन पता होना चाहिए M1 M2 में, दिया हुआ है 2 men working 2 hours is equals to 4 men in 1 hour। ऑब्जर्व करना M1 और M2 मेंशन किया है, 2 2s are 4 मतलब RR कैंसिल, M1 is equals to M2, ये तो बहुत ही आसान हो गया। वैल्यूज पुट अप करेंगे बच्चों, M1 D1 H1 upon W, बोलो 30 M1 into 10 into 4 upon 1 is equals to 45 M2 into D2 into 8/3, here 3 15s are 15, 2s are 4, 2s are 2, 2 cancel यानी D2 आ गया, M1 और M2 तो सेम ही है, सो बच्चों ये तो एक ही रहेगा, सो ये भी कट हो सकता है, सो बच्चों क्या बचता है D2 is equals to 10 days। कैसे कट किया है आपको पता होगा बच्चों, इक्वल टू के इधर उधर है और इनटू में है तो कट होता है। बच्चों एक मिनट थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान दे दीजिए, 3 × 8 इज इक्वल टू 6 × 4, ओके अगर ये 6 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ये 3 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, सो ये करने से अच्छा सीधा में कट कर सकता हूं, पर अगर ये ऐसा रहा सो बच्चों यहां मैं 4 2s नहीं कर सकता क्योंकि ये प्लस है, ये तभी पॉसिबल है जब हम इनटू में इधर उधर है, आई होप आपको पता ही होगा, ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है पेपर्स में, 15 मेल कैन टाइप 3,240 पेजेस इन 6 डेज वर्किंग 2 आवर्स पर डे, हाउ मेनी मेल वुड बी रिक्वायर्ड टू टाइप 5,400 पेजेस वर्किंग 4 आवर्स पर डे फॉर 3 डेज। बच्चों हमें सिर्फ M1 D1 की वैल्यूज जाननी है, दैट्स इट। चलो बताइए M1 हमें गिवन है 15 और 3,240 पेजेस उन्होंने काम किया है, वर्क है, मतलब बच्चों 3,240 मेरा क्या रहेगा W1 सही है। फिर D1 गिवन है 6 एंड आवर्स गिवन है 2, M2 निकालना है, W2 5,400 है, D2 3 डेज है और H2 है 4 आवर्स पर। बच्चों वैल्यू पुट अप करें, M1 D1 H1 upon W1, चलो लिख देता हूं मैं आपको, W1 equals to M2 D2 H2 upon W1, वैल्यूज पुट अप करेंगे बच्चों, 15 × 6 × 2 / 3,240 equals to M2 × 3 × 4 / 5,400, 0 cancel, 18 30s are सही है। फिर और क्या कट हो रहा है, 6 3s are 6 5s are 3 2s are
टू टू जा फोर, थ्री फाइव जा फाइव, फाइव जा ट्वेंटी फाइव, सो एम टू आ जाएगा 25 में। क्लियर। अब इसी में देखो स्लाइड चेंज है, हमें लगता है कि क्वेश्चन नंबर डीवन का है बट इसमें थोड़ा चेंजेस है, पेजेस के ऊपर ही क्वेश्चन। बच्चों कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अजय एंड विजय आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट। अजय टेक्स 18 आवर्स टू टाइप 96 पेजेस ऑन अ कंप्यूटर, व्हाइल विजय टेक्स 7 आवर्स टू टाइप 56 पेजेस। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट ऑफ 110 पेजेस। ओके क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। हर क्वेश्चन को ना टाइप वाइज में मत तोड़ना, कभी देखना ध्यान दीजिए ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो इसमें वैसा ही है। अब बच्चों देखो अजय ने 96 पेजेस टाइप किए 18 घंटों में, इसका क्या मतलब निकलता है कि अजय पर आर कितना काम करता है, 96 पेज अपॉन 18 आर, यानी हम लोग 6 से कर सकते हैं, 61 जा 66 जा 63 जा, यानी अजय पर आर 16/3 पेजेस टाइप करता है। वैसे विजय, अब देखो विजय के बारे में बात करेंगे, विजय क्या टाइप करता है 56 पेजेस इन 7 आवर्स, यानी 56 अपॉन 7 यानी 8 पेजेस पर आवर। एक घंटे में अजय इतना काम करेगा, विजय इतना करेगा। अगर अजय एंड विजय ने साथ में काम किया तो पर आवर में कितने पेजेस कवर करेंगे वो 16/3 + 8 है ना, 8 = 24, 24 = 30, 40 यानी 40/3 पेजेस पर आवर अजय और विजय साथ में टाइप करेंगे। उन्हें कितने पेजेस टाइप करने थे 110, therefore 110 पेजेस को टाइप करने के लिए कितना टाइम लेंगे, डिवाइड बाय 40/3 पेजेस पर आवर। बच्चों देखो पेज पेज भी कैंसिल होता है, आंसर बराबर आज में आएगा, हमें एक सेकंड नहीं लगेगा, बट हम लोग मैं बताना चाहूंगा प्लीज आप यूनिट मेंशन किया करें, नहीं तो हम छोटी से छोटी गलती करके मार्क्स कमा देंगे। बच्चों देखो 3 ऊपर आ गया, 0 कट, 33/4, 4 8 जा 32, 1 पर हमें ऑप्शंस मिनट में दिए हुए हैं, 8 आवर्स तो ठीक है, 1/4 एक घंटे का 1/4, 60 मिनट का 1/4 यानी 15, मतलब 8 घंटा 15 मिनट, नहीं समझा, 60 भैया डिवाइड बाय 4 यानी 15 ही ना, क्लियर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अच्छा हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, अब वो कैसा देखेंगे। अब मैं एंटर कर रहा हूं टाइप 2 के सेकंड पार्ट में, ये क्वेश्चन आपको बड़े मस्त लगेंगे, आई होप आपका दिमाग भी शांत है और आप मुझे अच्छे से समझ पा रहे हैं, नहीं है तो प्लीज वीडियो पॉज करें, हैव सम वाटर, प्लीज सीट अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। ओके सो बच्चों अभी देखो ये पैटर्न में क्या होगा, मैं क्वेश्चन नहीं लेता हूं सीधा, है ना, अच्छे समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 men can complete a work in 9 days. After they have worked for 6 days, 6 more men join them. How many days will they take to complete the remaining work? बच्चों अभी भी इसमें अलग जेंडर नहीं आया, मतलब ये जरूरी टाइप 3 से तो सॉल्व नहीं होगा, हम इसे टाइप 2 से सॉल्व करेंगे। सो बच्चों अभी टाइप 2 का सेकंड पार्ट है, अब इसे कैसे अटेंड करेंगे ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, फर्स्ट अ बेसिक कांसेप्ट, सेकंड अ शॉर्ट ट्रिक। ट्रिक नहीं बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ही है, पर समझ में आ जाएगा बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके सो स्टूडेंट्स पहले से सॉल्व करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। देखो क्या बोला गया, 12 मेन पूरा काम 9 डेज में कर सकते हैं, इसका मतलब 12 मेन अगर पूरा काम 9 डेज में कर सकते हैं तो बच्चों 12 मेन का 1 डे वर्क क्या पड़ा था, क्या हो जाएगा उसी का रेसिप्रोकल, मतलब 1/9। सो बच्चों 1 मेन का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 12 इसके नीचे 1/9 × 12 यानी 1/108 होगा, सही है। अब मुझे बताइए 12 महीने कितने दिन काम किया, बोल रहा है वो 6 दिन काम किया। सो बच्चों 12 महीने का 6 डे वर्क कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 12 महीने का 1 डे वर्क 1/9 × 6 दिन काम किया, मतलब कितना काम कर लिया बच्चों ने, 2/3 2/3 वर्क हो गया, टोटल वर्क 1 होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। सो बच्चों 2/3 हो गया तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा बताइए, सो रिमेनिंग वर्क हुआ 1 - 2/3 यानी 3 1 3 - 2 मतलब 1/3 वर्क बचा।
अब ये वन थर्ड वर्क करने के लिए और छह मैं ज्वाइन कर लिए, मतलब अब मैं कितने हो गए 12 प्लस 6 यानी 18 मैन हो गए। अब 18 मैन वन थर्ड वर्क कितने दिन में करेंगे ये कैसे पता चलेगा, जब आपको इनका वन डे वर्क पता होगा। सो बच्चों 18 मैन का वन डे वर्क क्या हो जाएगा, एक मैन कितना होता है 1 upon 9 into 12 into 18 9 2 2 6 यानी 1/6 वर्क, मतलब बच्चों 18 मैन एक दिन में 1/6 वर्क करते हैं। सो अगर एक दिन में 1/6 वर्क तो कितने दिन में वन थर्ड वर्क करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा, ये 3 नीचे 6 ऊपर यानी आंसर आएगा 2 days। ठीक है, बट ये मेथड बिल्कुल आपने नहीं करनी है फॉलो। ओके सो डोंट टेक टेंशन बच्चों, ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड, कई किताबों में आपका ऐसे एक्सप्लेनेशन मिलेगी। सो बच्चों ये करते रहेंगे तो कभी पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आसान तरीका देखो शुरू करें। चलो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा क्लास टोटल वर्क, आवाज देना पड़ेगा, बोलो 12 मिनट पूरा काम कितने दिन में करते हैं 9 दिन में। सो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे हमेशा टोटल वर्क जो पड़े 12 मिनट इंटू 9 डेज, 12 मिनट पूरा काम 9 डेज में करते हैं तो टोटल वर्क कितना जाएगा 108 MD। बच्चों ये MD मतलब ही होता है टोटल वर्क, ओके याद रखना, मेन इंटू डेज इज टोटल वर्क। ओके सो बच्चों कितना वर्क हो गया 108 वर्क हो गया। अब वर्क डन निकालेंगे, कितना वर्क उन्होंने किया 12 मैन ने 6 दिन काम किया मतलब 72 MD, मतलब ही बच्चों वर्क। सेकेंड क्वेश्चन से मैं इसको वर्क ही लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए इसलिए MD लिख रहा हूं, MD यानी EW। ओके सो बच्चों कितना काम हो गया 72, दोहराते हैं 12 में पूरा काम 9 दिन में कर सकते हैं, 12 × 108 मतलब टोटल वर्क हो गया 108, वर्क डन 12 में ने 6 दिन काम किया मतलब 72 वर्क हो गया, 108 वर्क था 72 हो गया, बचा कितना तो 36, अब 36 वर्क बचा हुआ है। अब ये करने के लिए 12 मेन थे इसमें कितने ऐड हुए 6 मेन ऐड हुए, कितने हो गए बच्चों 18 मेन हो गए, वो 18 मेन ये रिमेनिंग वर्क कितने दिन में करेंगे पूछा था। सो क्या आ जाएगा देखो 36 MD / 18 टू डेज, क्लियर हुआ पूरा बाईपास। अब वापस समझिए, स्टेप ध्यान रखिएगा, स्टेप आपके सामने आ ही रही है, सबसे पहले टोटल वर्क फिर वर्क डन रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय क्वेश्चन आंसर इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ओके वापस 12 में पूरा काम 9 दिन में कर सकते हैं, 12 × 9 = 108 वर्क होगा, 12 में ने 6 दिन काम किया 12 × 72 वर्क हुआ मतलब 108 वर्क था 72 हो गया 36 बचा, 36 को करने के लिए 18 मैन थे 36 / 18 आंसर इज ट्रू। आप प्रॉपर नोट करिए, बराबर देखिए एम कैंसिल हुआ आंसर डेज में आया, क्लियर हो बच्चों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके लिए वैसा सेम क्वेश्चन आया, 8 men can go work in 12 days. After 6 days of work, 4 more men were engaged to finish the work. In how many days would the remaining work be completed? ठीक है? शुरू करते हैं। बच्चों 8 men पूरा काम 12 दिन में कर सकते हैं। So बच्चों बताओ सबसे पहले क्या निकालेंगे? Total work कैसे हो जाएगा? 8 men 12 दिन में। बारी है ठीक छानने हो। 96 MD। बताइए बच्चों क्या? Work. 96 वर्क था। अब उन्होंने कितने दिन काम किया? 6 दिन। मतलब कितना वर्क डन हो गया? 8 मैन ने 6 दिन काम किया, 48 वर्क हो गया। सही है। अब मतलब W। तो बच्चों टोटल वर्क 96 था, 48 हो गया, बचा कितना? सो रिमेनिंग वर्क है 96 - 48, दैट इज 48। 48 वर्क बचा है। कौन करने वाले 48 वर्क? 4 मोर मेन आर एंगेज बोला है ना। सो बच्चों कितने मेन हो गए अभी? अभी टोटल मेन हो गए 8 + 4 यानी हो गए 12 मेन। 48 हो कितने दिन में? 48 MD / 12 आंसर 4 डेज। क्लियर स्टेप्स? सबसे पहले टोटल वर्क, फिर कितना वर्क हो गया, रिमेनिंग वर्क डिवाइड बाय
क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? ये कब? जब ग्रुप में लोग हैं और कोई लोग छोड़ के जा रहे हैं या कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, तब इस मेथड को फॉलो करेंगे। क्लियर? अब इसी में क्या वैरायटी है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, आफ्टर 4 डेज सम वुमेन लेफ्ट अ वर्क। समझ जाना, ग्रुप में आए हुए लोग हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हम लोग टाइप 2 पार्ट 2 से सॉल्व करेंगे। आफ्टर 4 डेज सम वुमेन लेफ्ट अ वर्क, रिमेनिंग वुमेन कंप्लीटेड अ वर्क इन 9 डेज, देन हाउ मेनी डेज देन हाउ मेनी वुमेन लेफ्ट अ वर्क आफ्टर 4 डेज। ओके, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क। 21 वुमेन काम करने वाली थी 10 दिनों में, सो बच्चों हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा बताइए, 21 वुमेन इन 10 डेज, यानी हो जाएगा 210 WD, मतलब ही वर्क। सो बच्चों उसके बाद क्या निकालते हैं, वर्क डन, है ना। इन 21 वुमेन ने 4 दिन तो काम किया, हरकत 4 दिन के बाद हुई है, तो 4 दिन 21 वुमेन इनटू क्या आएगा, 4, है ना। कितना आ जाएगा बच्चों, 84 वर्क हो गया, है ना। सो बच्चों उसके बाद क्या निकालते हैं, रिमेनिंग वर्क बताइए, रिमेनिंग वर्क कितना होगा, 210 माइनस 84, 200 में से 80 गए, 120, 130 में से 4 गए, 126, यानी 126 WD बचा है, है ना। अब हमें इसके बाद क्या पता होता था, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या गिवन था कि इतने वुमेन करने वाले डेज बता, अब इस क्वेश्चन में डेज बताए हैं, हमें वुमेन निकालने हैं। सो बच्चों ये जो वर्क बचा हुआ है, ये देखो 4 दिनों के बाद कुछ वुमेन ने वर्क को लेफ्ट कर दिया, कुछ वुमेन बची है, और वो बचे वुमेन ने ये रिमेनिंग वर्क 9 दिन में कंप्लीट किया। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 26 वर्क डे कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, 9 डेज में। देखिए क्या कैंसिल हो गया, डी 914 था, मतलब कितनी वुमेन वहां पे मौजूद थी, 14 वुमेन थी। सो बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा, 14 आएगा क्या, नो क्लास W, 14 वुमेन प्रेजेंट थे, तो कितने छोड़ के गए, 21 थे, 14 लोगों ने काम कंप्लीट किया, सो जो लेफ्ट कर गए वो थे आपके 21 माइनस 14, मतलब 7 वुमेन। क्लियर? अगर नहीं समझा वीडियो रिवाइंड करें, वापस देखें, ओके, फिर भी नहीं समझा सो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं समझाई दूंगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड डोरेटी के साथ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 20 वुमेन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वुमेन लीव द जॉब सो दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन 35 डेज। ओके कैसे अटेंड करेंगे, देखिए क्या पढ़ा है बच्चों, वुमेन थी वुमेन ही है, कुछ छोड़ के जा रही है, आ रही है, सो डेफिनेटली टाइप 2 पार्ट 2 से सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल वर्क, आ जाओ इधर, टोटल वर्क कितना है बच्चों, 20 वुमेन 30 दिनों में, 20 वुमेन 30 दिनों में मतलब 600 वर्क। ठीक है मैं सीधा लिख रहा हूं, वर्क मतलब ही यहां WD होगा। ओके बच्चों सो टोटल वर्क कितना आ गया, 600। देखते आगे क्या बोलते हैं वो, आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 5 वुमेन लीव द जॉब, है ना, सो लेट 5 वुमेन लीव जॉब After X days के बाद छोड़ के गए, मतलब ये जो 20 वुमेन हैं, इन्होंने X days तो काम किया, फिर X days के बाद 5 वुमेन चली गई, तो बची कितनी, 15 वुमेन, 15 वुमेन ने कितने दिन काम किया, so 35 minus X और काम कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया क्या, डोंट नो आपको, आपको समझ में आया होगा, मैं नंबर मैं वर्किंग लाइन से करके दिखाता हूं, आपको जैसे समझ में आएगा। बच्चों पूरा काम हुआ है 35 डेज में, मैं आपको अलग अलग की पेन से करके दिखाता हूं। बच्चों पूरा काम जो हुआ है वो हुआ है 35 डेज में, हमने क्या पकड़ लिया कि X डेज के बाद 5 वुमेन ने काम छोड़ा, 20 वुमेन ने मतलब X डेज जो है वो तो काम किया ही होगा, अब X days के बाद 5 वुमेन चले गए, मतलब बची कितनी, 15। अब 15 वुमेन ने इतना टाइम काम किया, तो बच्चों ये कितना आएगा, अगर ये X है
तो ये 35 माइनस एक्स होगा ना, मतलब 20 वुमेन ने एक्स डे साथ में काम किया, फिर 5 वुमेन चली गई और बचे हुए टाइम में 15 वुमेन ने काम किया और काम कंप्लीट हो गया, मतलब 20 वुमेन ने एक्स डे काम किया प्लस 15 वुमेन ने 35 माइनस एक्स काम किया और काम कंप्लीट हो गया, मतलब 600 इंटू का काम हो गया। अब बच्चे से सिर्फ सॉल्व करना है, ये गेट योर आंसर्स। देखो कैसे, यहां पे कितना आ जाएगा 20x, सही है, यहां पे आएगा देखो 15 3 4 15 एंड 15 5 75, मतलब कितना हो जाएगा ये 5 525 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 600। ओके, 20x माइनस 15x कितना आएगा 5x, 525 इधर आएगा तो माइनस, यानी आएगा 75, सो x कितना आ जाएगा 15, मतलब 15 दिन उन्होंने साथ में काम किया था, उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया था। आया वापस समझ में, आया क्लियर हो गया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये मजेदार क्वेश्चन है, देखो, इन अ कैंप देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 300 सोल्जर्स फॉर 41 डेज, आफ्टर 35 डेज 120 सोल्जर्स लेफ्ट द कैंप, फॉर हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज विल द रेस्ट फूड लास्ट फॉर रिमेनिंग सोल्जर्स। ओके, देखो कैसे है, प्लस सबसे पहले बताइएगा फूड कितना है, कैसे पता चलेगा 300 सोल्जर्स 41 डेज के लिए खा सकते हैं। सो बच्चों टोटल वर्क, यानी ही मैं बोल सकता हूं टोटल फूड कितना हो जाएगा 300 सोल्जर्स का 41 डेज के लिए, 123 ये है फूड, इतना फूड है हमारे पास, ठीक है। अब कितने दिनों के बाद चेंज हुआ, आफ्टर 35 डेज, मतलब वर्क डन या फिर फूड कंज्यूम, कैसे 35 दिनों तक तो 300 सोल्जर ने खाना खाया होगा ना, सो 300 × 35 इतना फूड कंज्यूम हो गया। सो बच्चों ये कितना आ जाएगा 105 और ये 0 0, इतना खाना था, इतना खाना खत्म हो गया। सो बच्चों बचता कितना है बताइए, 123 और 105 सीधा इतना ही माइनस कर देंगे, सो बचेगा आपका 18, मतलब 1800 ये हमारा फूड बचा है। अब ये कौन खाने वाला है, क्लास 300 सोल्जर्स थे, कितने सोल्जर्स ने छोड़ दिया 120 सोल्जर्स ने छोड़ दिया, सो रिमेनिंग सोल्जर्स कितने हैं हमारे पास है 300 माइनस 120 यानी 180 सोल्जर्स है, खाना है 1800, मतलब 1800 × 180, मतलब 10 और एक्स्ट्रा दिन खाना चल सकता है। देखो शब्द सिर्फ चेंज किए है तो वही वर्कर वर्क करते थे, यहां फूड है, टोटल वर्क कैसे आएगा बच्चों 300 सोल्जर्स 41 डेज खा सकते हैं। अगर मैं यूनिट वाइज चलू, देखो आपको इसको भी यूनिट लगा के दिखाता हूं, सो 300 सोल्जर्स 41 डेज एस बी सोल्जर्स डेज, इतना सोल्जर डेज का खाना था, 300 लोगों ने 35 दिन खाना खाया, इतना खाना कंज्यूम हो गया, इतना खाना बचा, इतना खाना कौन खाने वाले हैं 180 सोल्जर्स यानी 1800 एसडी खाने वाले हैं 180 एस, डेफिनेट आपका आंसर क्या है बच्चों 10 दिन, क्लियर आए आपको समझ में आ रहा है। बच्चों ये देखने के बाद आप इसके एक्सरसाइज सॉल्व करें, आपका आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, गिव अप करना ऑप्शन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग शांत करें, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, ओके, थोड़ा स्माइल करें, फ्रेश रहे, पढ़ते रहे, ओके, आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिएगा 25 men can do a work in 20 days, when should 15 men leave the work, if the whole work is to be completed in 36 1 by 2 days after they leave the work। अब इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, सो बच्चों सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे टोटल वर्क, सो बच्चों बताएंगे टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 25 में 20 दिन में करने वाले थे, मतलब हो जाएगा 500 एमडी, मतलब क्या हो गया टोटल वर्क। अब इसमें से उन्होंने देखो क्या बोला है बच्चों, मैं आपको अलग कलर के पेन से और अच्छे से समझाता हूं बच्चों, ये वर्किंग लाइन है, आपको बोला हुआ है 36 1 by 2,
36 1 by 2 मतलब ही 36.5 days. 36.5 days में बच्चों पूरा काम हुआ है. अब बताइए, काम शुरू किया था 25 महीने, बोला है कितने दिनों के बाद 15 मैन काम छोड़ देंगे जिससे पूरा काम 36.5 दिनों में होगा. ये क्वेश्चन एस टाइप का क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं, ये आपकी रिवीजन भी होगी. बच्चों ध्यान दें, क्या पकड़ लेंगे हम लोग कि एक्स डेज के बाद 15 महीने काम छोड़ दिया, इसका मतलब एक्स डेज तक 25 महीने काम किया और एक्स डेज के बाद 25 माइनस 15 10 महीने काम किया. अब कितने कितने दिन काम किया, इन्होंने एक्स डेज काम किया और इन्होंने 36.5 अब माइनस एक्स, ये x days है और ये कितना है बेटा 36.5 minus x days. देखो बच्चों कैसे लाइन लिखी जाएगी, 25 men x days काम करेंगे and 10 men 36.5 minus x days काम करेंगे जिससे पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट. सही है, मैं md के साथ ही लिख देता हूं. सो बच्चों बताओ यहां पे क्या हो जाएगा, सीधा md 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 सब कैंसिल कर देते हैं सीधा सीधा, 25x is equals to पॉइंट हट जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि हो जाएगा प्लस 10 मल्टीप्लाई होने के बाद पॉइंट निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 365 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 500. सो बच्चों अभी देखो 365 इधर चला जाएगा और 25 माइनस 10 यानी 15x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 135. सो x यानी कितना जाएगा 9, मतलब 9 दिन के बाद 15 मैन काम छोड़ेंगे तब जाके पूरा काम 36.5 दिनों में कंप्लीट होगा. क्यों, शांत दिमाग रखिए, टाइप 2 के क्वेश्चन उभर के आते हैं, हम लोग पूरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे. जब पूरे टाइप कवर होंगे ना आप इतने अच्छे से बायफरकेट कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन इस पैटर्न में इस स्टेज में होगा. ओके, सो बिल्कुल चिंता ना करें, बस गो विद द फ्लो. आई होप आपको क्लियर हो गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखो क्या बोल रहा है, 45 men can complete a work in 16 days. 4 days after they start working, 36 more men join them. How many days will they now take to complete the remaining work? बच्चों सबसे पहले क्या निकालेंगे, total work, उसके बाद work done, उसके बाद remaining work minus question, you get solution. ठीक है, शुरू करते step by step. सबसे पहले total work, कितने लोग हैं 45 में, कितने दिन काम करेंगे 16 दिन, 45 450 हो जाएगा 10 का और 6 का करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 270, मतलब हो जाएगा 720. इसको लिखते हैं 720 work. बच्चों टोटल वर्क कितना हो गया 720. अब उन्होंने कितने दिन काम किया हुआ है, आपको दिया हुआ है 45 मैन ने काम किया 4 दिन. सो 45 मैन इनटू 4 डेज कितना जाएगा 180 वर्क हो गया. बच्चों मिला कितना, देखो ये एमडी आ रहा है ना सब, ये पूरे एमडी आ रहे हैं, मैं वर्क लिख रहा हूं. सो बच्चों कितना बचता है 540 वर्क बचेगा. सही है, अब 540 वर्क करने के लिए क्या होने वाला है, 45 men को 36 men join कर रहे हैं. So बच्चों total men कितने हो गए, 81 men हो गए. अब 81 men ये remaining काम करने वाले हैं. So बच्चों कितने दिन में करेंगे, देखिए 540 md upon 81 mm cancel. Answer जो आएगा वो days में आएगा और days ही चाहिए. So बच्चों देखो 27 3 जा 27 2 जा मतलब 20 upon 3 मतलब 3, 6, 18 and 2. So answer 6, 2 by 3 days. अगर आप मुझे simplification से follow कर रहे हो, so देखो मैंने वहां बताया था, आप लोगों को fraction को mixed fraction में convert करना आना चाहिए. हर एक कड़ी जुड़ती है, तब paper निकलता है. Okay? और आपको चीजें आसान होती दिखेगी. I hope आपको ये समझ में आ गया. Okay? बढ़ते हैं next question की तरफ. देखिए question क्या कह रहा है. 21 person went to a hotel for combined dinner party. 15 of them spent rupees 94 each on their dinner, and the rest spent rupees 5 more than the average expenditure of all the 21. What was the total money spent by them? कैसे आएगा देखो. So बच्चों इसमें average का थोड़ा बहुत concept आएगा. चलो आते आते समझा दूंगा. Let पकड़ लेते हैं average expense जो है वो x है. ठीक है, अगर एवरेज एक्सपेंस x है, सो बच्चों टोटल जो एक्सपेंस होगा वो कितना हो जाएगा 21x. ये कैसे सर, बच्चों देखो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सही है,
सो बच्चों सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर निकालना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल एक्सपेंस कैसे आएगा, एवरेज कितना पकड़ा है हमने x, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 21. सो बच्चों सम मतलब टोटल एक्सपेंस कितना आ जाएगा 21x. ओके सो अभी जो 21x जो बिल आया हुआ है यही आया हुआ था उस डिनर पार्टी का बिल. अब ये बिल 21 लोगों ने कैसे दिया, उन्होंने कहा हुआ है कि 15 लोगों ने 94 रुपीज दिए और बचे लोगों ने, बचे कितने बच्चों 21 माइनस 15 मतलब बचे 6 लोगों ने जो भी एवरेज एक्सपेंस आया हुआ ना उससे 5 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे. ठीक है, ऐसे करके पूरा बिल पे हुआ 21x. बच्चों अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब इसको देखो आसान तरीका बता दो मल्टीप्लाई करने का, ये 94 है मैं 100 पकड़ लेता हूं तो 15 इंटू 100 वुड बी 1500. अब कितना कम था 6 15 90 90 माइनस कर दीजिए 1500 में से 90 गए मतलब 1410. ठीक है, प्लस 6x प्लस 30 इक्वल्स टू 21x, ये हो जाएगा 1440 इक्वल्स टू 15x, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा 1440 अपॉन 15, 15 9 135, रिमाइंडर आएगा 9 और ये 6 था मतलब 96. ये मेरा आंसर नहीं है, ये एवरेज निकल गया है, मतलब सबने ऑन एन एवरेज 96 रुपीस पे किए. सो बच्चों अब मुझे बताइए, हमें पूछा था टोटल एक्सपेंस, तो बताओ टोटल एक्सपेंस कैसे आ जाएगा 96 इंटू 21. ओके, यहां भी मैं वही कर सकता हूं, इसे मैं 100 पकड़ लेता हूं, आप लोगों के लिए एक नया ट्रिक हो जाएगा. 100 पकड़ लिया तो ये कितना जाएगा 2100. ठीक है, 4 कम है मतलब 21 इंटू 4 कम होगा, 21 इंटू 4 कितना होगा 84 कम होगा, 100 में से 84 गए 16 रुपए बचे तो आंसर हो जाएगा 2016. ये था आपका बिल. क्लियर, इसमें कुछ बच्चे थोड़ा सा और तिगड़ा सोचेंगे कि सर ये 94 है तो इससे प्लस 5 कर दें क्या, ऐसा नहीं होगा बच्चों, टोटल एक्सपेंस वो अलग बात है, 94 बस स्पेंड किए बताया हुआ है. ठीक है, आई होप मैं समझ में आ गया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन. देखो बच्चों क्या बोला है, 150 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 85 डेज बाय वर्किंग 12 आवर्स अ डे, ऑल ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 10 डेज ऑल ऑफ देम गो ऑन स्ट्राइक, ड्यू टू द स्ट्राइक फॉर 25 डेज द वर्क रिमेन स्टॉप एंड देन दे रिज्यूम द वर्क, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द होल वर्क इन द गिवन टाइम बाय वर्किंग 10 आवर्स अ डे फॉर द रिमेनिंग पीरियड. ये अभी तक जो पढ़ा है सबका मिक्सचर है, वैल्यूज बड़ी बड़ी है जिससे आप लोगों को कैलकुलेशन में वक्त लगे, इसलिए क्वेश्चन लेवल 2 या लेवल 3 में गिना जाएगा. बच्चों देखो कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. बच्चों कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि 150 वर्कर शुरू हुए फिर बंद हुए फिर वापस शुरू हुए, तो ये टाइप 2 का पार्ट 2 से सॉल्व होगा. मेथड क्या है, सबसे पहले टोटल वर्क फिर वर्क डन फिर रिमेनिंग वर्क डिवाइडेड बाय क्वेश्चन यू गेट सॉल्यूशन. ओके लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 150 वर्कर्स 85 दिन में 12 घंटे पर डे के काम करके निकालते हैं, तो ये मेरा हो गया टोटल वर्क. बच्चे इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आसान तरीका 15 इंटू 12, 15 था 150, 15 दूने 30 मतलब हो गया 150 और 30 180. बच्चों जीरो बाद में लगाने बैठेंगे, एक जीरो दिमाग में रखेंगे. सो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आ रहा है 180, तो ये जीरो दो जीरो मेरे अभी कॉमन हो गए. अब 18 इंटू 85 करता हूं मैं, 88 144 और एक जीरो लगेगा, फिर 85 90, अभी से आप ऐड करें तो ये हो जाएगा सीधा 153 0 और ये हमारे 20 मतलब कितना हो गया 153 000. इतना है टोटल वर्क. अब इसके बाद क्या निकला जाता है, वर्क डन, उन 150 लोगों ने कितने दिन काम किया हुआ है बच्चों, 150 लोगों ने काम किया हुआ है 10 दिन. ओके सो इनटू 10 डेज 12 घंटे के अकॉर्डिंग, ये तो अभी बताया था 15 इंटू 12 होता है 180 और ये 20, तो बच्चों इतना काम हो गया. तो क्लास टोटल वर्क था इतना, वर्क डन इतना हो गया, तो बच्चों बैठा बचा कितना 30, तो वैसे के वैसे ही आ रहे हैं 153 माइनस 18 मतलब होता है 135. ओके सो इतना वर्क बचा हुआ है. ओके अब इतना वर्क बचा था और वो स्ट्राइक पे चले गए, वो स्ट्राइक से ज्वाइन हुए,
रिजाइन होने के बाद उनको ये काम भी तो कंप्लीट करना था विद इन टाइम मतलब 85 दिनों में। तो बच्चों वर्कर्स कितने दिन के लिए गए थे स्ट्राइक पे? 25 दिन के लिए। तो हम निकाल लेते हैं कि डेज कितने बचे हमारे पास, डेज लेफ्ट 85 डेज का हमें स्लॉट मिला हुआ है, जिसमें से 10 दिन काम हुआ, 25 दिन वेस्ट गए, मतलब 35 दिन चले गए। हमारे पास बचे हैं 50 दिन, और अभी वो हर दिन 10 घंटा काम करने वाले, मेंशन किया हुआ है आपको, है ना। सो अभी देखो कैसे निकलेगा, 135,000 डिवाइड बाय 50 दिनों में काम होगा पर डे 10 घंटा। तो बच्चों 20 कट हो गए, ये होगा 27, मतलब 270 वर्कर्स हमें लगने वाले हैं टू कवर दिस वर्क, ओके। बट वापस देखिए, उन्होंने एक्स्ट्रा में ये कॉन्सेप्ट बोला है। सो बच्चों मेरे पास 150 वर्कर्स ऑलरेडी है, 270 वर्कर्स की नीड है, तो मुझे एक्स्ट्रा कितने चाहिए? एक्स्ट्रा होंगे 270 माइनस 150, दैट इज 120 वर्कर्स आर नीडेड एज एन एक्स्ट्रा। क्लियर हो गया बच्चों? सो आई होप आपको ये टाइप समझ में आया हुआ है। आप इसकी प्लीज सारी क्वेश्चन सॉल्व करें, जो जो क्वेश्चन में दिक्कत है रिपीट रिपीट देखें, जरूर समझ में आएगा, आई अश्योर यू दैट। आपको जो भी लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूं, आप मुझसे ग्रेट बात नहीं कर पा रहे, तो कमेंट से बात करें, ओके। सो क्लास प्लीज बताएं, जो सिंसियर है सिंसियरिटी से पढ़िए, ओके। मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, सो क्लास मैं चाहता हूं कि आप इसे सिंसियरली पढ़े, मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रहा हूं, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू थ्रू दिस मेथड, ओके, थ्रू दिस वे। सो बच्चों प्लीज इसे अच्छे से पढ़े, कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखे, समझ में आ रहा है, खुश हो रहे हो वो भी दिखाइए, खुशी भी अफजाई करिएगा, ओके। सो क्लास इसके साथ पीडीएफ दिया हुआ है, सॉल्व करें, डाउट्स क्लियर करें, और हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टाइप टाइप 3 की तरफ। मैं एक आपको सिर्फ हिंट देता हूं कि नेक्स्ट टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे। बच्चों इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, 12 मैन एंड 8 वुमेन कैन डू वर्क इन 6 डेज, 4 men and 9 women can do work in 12 days, then 5 men and 6 women can do the same work in how many days? बच्चों इसमें देखो ग्रुप जो आया है वो सब ग्रुप है men and women, so ऐसे पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बहुत सरल है, आने वाले टाइम में देखेंगे। आई होप आपको आज को जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। थैंक यू।